हेलो एवरी वन इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एट जीरो फाइव वन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रियोरिटी रजिस्टर ऑफ एट जीरो फाइव वन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इट एंड हाउ इट वर्क ये हम डिस्कस करेंगे विद एन एग्जाम्पल ठीक है तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट क्या है सपोज अगर हमारे पास एक साथ वन और टू इंटरप्ट अक्कर होते हैं तो किसको एक्सेस पहले प्रोवाइड होगा वो डिपेंड करता है ऑन द प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी पहले उसको सर्विस प्रोवाइड होगी ठीक है तो जब भी हमारा पावर ऑन होता है इन केस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एट जीरो फाइव वन तो फाइव इंटरप्ट की जो प्रायोरिटी सीक्वेंस होती है पहले हम वो देखते हैं दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इंटरप्ट फर्स्ट मीन्स की हाइस्ट प्रायोरिटी किसकी है आई एन टी ज़ीरो मीन्स की एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट ज़ीरो की सेकेंड किसकी है टी एफ जीरो मीन्स की टाइमर ज़ीरो इंटरप्ट फिर आई एन टी वन मीन्स की एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट वन की फोर्थ प्रायोरिटी इज़ टाइमर वन टाइमर वन इंटरप्ट एंड फिफ्थ प्रायोरिटी इज द सीरियल पोर्ट इंटरप्ट सीरियल पोर्ट इंटरप्ट को वी कैन राइट आर आई प्लस टी आई मीन्स की दिस इज यूज फॉर रिसीविंग एज वेल एज फॉर ट्रांसमिटिंग ठीक है ना ये तो होता है बाई डिफॉल्ट मीन्स की जैसे ही हमने पावर को ऑन किया है एक जीरो फाइव वन की तो ये सीक्वेंस होगा अगर सपोज एक साथ हमारा आई एन टी जीरो ऑन होता है टी एफ जीरो ऑन होता है एंड सीरियल ऑन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस प्रोवाइड होगा किसको INT 0 को आई एन टी जीरो को ठीक बट इन केस ऑफ एट जीरो फाइव वन देर इज अजिस्टर विच इज कॉल्ड इंटरप्ट प्रोरिटी रजिस्टर उसका काम क्या होता है इट कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ प्रयोरिटी बाई असाइनिंग अस्ट प्रनी वन ऑफ द इंटरप्ट ठीक है किसी को भी वो हाईएस्ट वैल्यू दे सकता है हाईएस्ट वैल्यू देने के लिए पर्टिकुलर बिट को हम किस पे सेट करते हैं वन पे तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आईपी रजिस्टर को तो मैंने यहाँ पे शो किया है आईपी रजिस्टर इट इज द एड बिट रजिस्टर इट इज अ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर इट इज बिट एड्रेसबल बिकॉज एवरी बिट को हम अलग से एड्रेस दे सकते हैं ठीक है नाउ स्टार्टिंग की टू बिट इज दिस इज रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज तो हम इसकी वैल्यू को क्या मान के चलेंगे जीरो नेक्स्ट d5 means ki pt2 which is ip.5 ip means ki interrupt priority register ki fifth bit theek hai to pt2 is uh, priority bit for timer 2 which is not used in 8051 this is used in 8052 to तो for 8051 hum iski value ko zero leke chalenge now ps एस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीरियल पोर्ट इंटरप्ट प्रायोरिटी बिट अगर हमने इसकी वैल्यू को वन रखा तो सीरियल पोर्ट को हाइस्ट प्रोरिटी मिलेगी जीरो रखेंगे तो उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो होगी अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम होगी नाउ पी टी वन पी टी वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइमर वन प्राटी बिट एंड पी एक्स वन दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट वन एंड पी टी जीरो दिस इज टाइमर जीरो प्रायोरिटी बिट एंड पी एक्स जीरो दिस इज एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट जीरो प्रोरिटी बेट ठीक है नाउ अब हम इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं मीन्स कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं देन तो so नाउ अब हम डिस्कस करते हैं वन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोग्राम द आई पी रजिस्टर टू असाइन द हाइएस्ट प्रायोरिटी टू आई एन टी वन ठीक है नाउ अगर हमें आई एन टी वन को हाइएस्ट प्रायोरिटी देनी है तो रिस्पेक्टिव बिट को हम क्या सेट करेंगे एट वन ठीक है तो नाउ विच बिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई एन टी वन चेक करते हैं आई एन टी वन मीन्स की हम किसकी बात कर रहे हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट वन की ठीक है किसकी बात कर रहे हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट वन और वो क्या है हमारा पी एक्स वन इसकी पोजीशन क्या है आई पी पॉइंट टू मीन की दिस वन तो ये हमारा वन होगा रिमेनिंग ऑल क्या होंगे जीरो ठीक है नाउ अगर ये हमारा हाई हो गया ठीक है अगर इसको हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी तो हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी तो अब इसका हमें क्या लिखना था प्रोग्राम इसका प्रोग्राम लिखना है तो अगर हम इसकी हेक्स में वैल्यू लिखते हैं तो इन हेक्स दिस वैल्यू इज जीरो फोर एच ठीक नाउ अगर हमें हेक्स में नहीं लिखना है सिंपल प्रोग्राम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे मूव आईपी आईपी रजिस्टर में व्हाट इज द कंटेंट कंटेंट क्या होगा जीरो 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 जीरो, जीरो, जीरो वन जीरो जीरो, जीरो जीरो इन बाइनरी और अगर हमें हेक्स में मूव कराना है तो वी कैन राइट मूव आई पी हैश जीरो फोर एच ठीक है तो बोथ क्या है सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे मीन्स कि वो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट वन को हाइएस्ट प्रायोरिटी असाइन कर देंगे नाउ व्हाट इज द सेकेंड स्टेप डिस्कस व्हाट हैपन इफ आई एन टी जीरो आई एन टी वन एन टी एफ जीरो आर एक्टिवेटेड एट द सेम टाइम मीन्स की रिक्वेस्ट किस पर किस पर आ रही है आई एन टी जीरो पर रिक्वेस्ट आई आई एन टी वन पर रिक्वेस्ट आई एन टी एफ जीरो पर रिक्वेस्ट आई तो अब एक साथ रिक्वेस्ट आई एक्टिवेटेड सारे हुए तो सबसे पहले सर्विस किसको प्रोवाइड करेगी ठीक है तो हमने जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे थे इसके अकॉर्डिंगली हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दे दी आईएनटी एन वन को मींस कि इसको हमने क्या दे दी फर्स्ट तो इसको अगर हमने फर्स्ट असाइन कर दिया तो जो बाई डिफॉल्ट फर्स्ट था वो क्या हो जाएगा ना सेकेंड एंड इट विल बी थर्ड एंड इट विल बी फोर्थ एंड दिस विल बी फिफ्थ ठीक है तो सबसे पहले किसको एक्सेस प्रोवाइड होगा बी बी के ऑपरेशन में अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ मीन्स कि सारे एक्टिवेट एक साथ हुए तो सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड होगी आई एन टी वन को देन आई एन टी जीरो को एंड इन लास्ट टी एफ जीरो को ठीक है तो दिस विल बी द सीक्वेंस थैंक यू सो मच स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू